Well, investigative journalism is not a perilous path if you're chasing the truth with documents, facts, and corroboration from at least 2 to 3 different sources on every fact that you unearth yourself. The difference between investigative journalism and plain reporting is reporting mein aap sirf aankhon dekha haal bata rahe hain. But when you talk about investigative journalism, wo ek khoji patrakar hai ki aap khoj ke jo khabar hai jo kahin aati nahi hai jisko koi isko aap koi press conference dwara nahi pate, isko koi press release dwara nahi pate, ye apni mehnat karte hain aap ek investigator ke taur pe, aur phir khoj ke aap khabar dikhate hain aur wo khabar hoti hai should be in the public interest. Kyunki aap wo khabar ko dikha rahe hain kyunki aap ye yahan nation ke या देश के या किसी पीड़ित ग्रुप के उनके हित में होती है. एंड दैट इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ गुड जर्नलिज्म. एंड व्हेन आई वाज इन अमेरिका फॉर 20 इयर्स आई वर्क फॉर मेनी मेनी मेजर न्यूज़पेपर्स. माय कॉलम दैट आई रोट फॉर यूज़ टू अपीयर इन द वॉशिंगटन पोस्ट एंड 1,000 अदर न्यूज़पेपर्स. And most of it was investigative journalism. It was risky, but it was worth taking the risk if in the end you were proven to be correct. Well, that is a part of being in investigative journalism. Today, of course, you face trolls and abuse, as well as lawsuits. To keep you from getting to the truth, because the एक कहावत है अंग्रेजी में कि news is what someone is trying to hide, the rest is advertising. News जो वो चीज़ है, news एक जब news आप निकालेंगे वो कोई छुपा रहा है तो उसको आप खोज के निकालेंगे वो news होती है. और दूसरी तरफ से आप जैसे कि जो रिपोर्टिंग करते हैं जो वो एडवर्टाइजिंग है, वो एक इश्तिहार है. तो जब आप खोज के न्यूज़ निकालते हैं तो किसी ना किसी पार्टी को उसमें चोट तो पहुंचती है, दे गेट हर्ट, एंड उनके रिकोर्स होते हैं, और वो रिकोर्स है डेफमेशन और लाइबल. अमरीका में डेफमेशन का मतलब है कि अगर आप किसी को की मानहानि मुँह ज़बानी मानहानि करें उसको वो डेफेमेशन कहलाता है. मगर आप लिखित रूप में जैसे कोई पेपर सर्कुलेट करें या कोई अखबार में आप कोई चीज़ छापें उस पर अगर जो पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टी है वो आपके खिलाफ याचिका दर्ज कर सकती है और एंड दैट इज़ नोन एज लाइबल. बट द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द US इज़ दैट जो पब्लिक फिगर है अमेरिका में उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर होता है प्रूफ करने के लिए कि उनकी आपने मानहानि की है. और जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ये है कि जो आपने लिखा है एक 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 पत्रकार की हैसियत से वो आपने लिखा है विथ मिलिशियस इंटेंट एंड विलफुल डिसरिगार्ड फॉर द ट्रूथ. मतलब आपके जानते हुए कि ये चीज़ गलत है और एक 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 नफ़रत की नीति से की नीयत से सॉरी कि आपने ये चीज़ लिखी है तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाती है फॉर कि आप लाइबल में आपको इसका जो भी खामियाजा है जो भी सियासी सॉरी कानूनी खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा. वो फाइन से लेके हो सकता है और अपॉलोजी भी हो सकती है. मगर अमरीका में डेफेमेशन और लाइबल ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं आते, दे आर सिविल सूट्स. इंडिया में तो ऑफ कोर्स इट्स अ क्रिमिनल सूट जहाँ पर कैद भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है. और इंडिया में भी स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर आप फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं और वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो. मगर हम जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स को हमारे जितने भी हमारे जूनियर रिपोर्टर्स जिनको हम सिखाते थे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग किस तरह से की जाती है, हम हमेशा कहते थे कि पहले तो आप जो
रिकॉर्ड पे या ऑफ द रिकॉर्ड पे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन इसकी, जितने भी दस्तावेज आप ला सकें उनको पहले उनको लीजिए, उनको प्रूफ करिए। अगर आपके पास टेप रिकॉर्डिंग हो, आपने अगर स्टिंग किया हो, तो आप एक एक एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, उनको देखेंगे कि वो टेप में कोई कोई टैम्परिंग तो नहीं है, ओरिजिनल टेप है कि नहीं है, दस्तावेज कहीं फॉर्ज तो नहीं है। तो इसमें काफ़ी स्टेप्स हम लोग लेते हैं। उसके बाद हमारे एडिटर्स होते हैं जिनको हमें आंसर करना पड़ता है, बैठ के उनके साथ उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि एडिटर्स आपके साथ बैठ के, जैसे आप किसी कचहरी में बैठे हैं और आपको एक दूसरा लॉयर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसी तरह से आपके एडिटर्स आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि, और आपका एडिटर जो है वो आपसे सोर्स नहीं मांगेगा। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आप खोजी पत्रकार हैं, तो आपसे जो आपकी जो सोर्स है, जो सूत्र है आपका, वो गवर्नमेंट में हो सकता है, वो विसल ब्लोअर हो सकता है, वो कोई अग्रीव पार्टी हो सकती है, वो कोई कोई एक्स क्रिमिनल भी हो सकता है। हम ये नहीं देखते थे कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के रूप में हम ये देखते थे कि इसमें क्या सत्य है कि नहीं, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं। अब इसमें एथिकल क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी एथिक्स क्या है, आपके एडिटर्स की एथिक्स क्या है, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप जान के ये कर रहे हैं। तो इससे बचाने के लिए कि कोई किसी की बुरी नीयत ना हो, कोई बायस ना दिखाए, इसी वजह जो इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरोज होते हैं उनके एडिटर्स बड़ी टफ क्वेश्चनिंग करते हैं किसी चीज़ छापने से पहले। मेरे खिलाफ कम से कम 4 या 5 याचिकाएं डेफेमेशन सूट्स और लाइबल सूट्स अमेरिका में भी हुए थे, जिसमें से 2 में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक छोटे से मिस्टेक के लिए कोई अपॉलॉजी मांगी, मगर 2 या 3 हम जीत गए थे या वो केस जजेस ने डिसमिस कर दिए थे। हमारे खिलाफ भी जब हम पेपर में थे, जो एक सबसे पहली याचिका थी, वो एक मेंबर ऑफ वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ मेंबर ऑफ कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने फाइन की थी हमारे खिलाफ। मैं और मेरी टीम ने वहाँ पर एक डिस्कवरी की थी कि वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर ड्रग्स बेचे जा रहे थे, हैवी ड्रग्स, कोकेन की तरह। ये कोई 1984 या 84 उसके करीब थी। तो एक कांग्रेसमैन था, कैलिफोर्निया का कांग्रेसमैन, डॉनन उनका नाम था, तो उन्हें कैलिफोर्निया में सू किया हमें कि ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारे पास बहुत कागज़ थे और वो कागज़ वो क्या थे, वो जो इस जो अंदर की जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का, DEA वहाँ की जो अमेरिका की है, उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, उनके IOs जो इंडिया में कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लिया था कि उन्होंने कहा कि हम इनकी पोल खोलते हैं तो क्योंकि ये इतने पावरफुल लोग हैं, इसमें हमें प्रेस की बहुत सहायता चाहिए। तो हमने देखा कि ये कोई सियासती क्रॉस फायर तो नहीं है जिसमें कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी के MP को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम जब सेटिस्फाइड हुए कि नहीं, ये जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन है और इस पर कोई किसी ने ऊपर से इनको नहीं कहा कि आप जाके इनको फंसाइए, कोई जैसे एंट्रैपमेंट जिसे बोलते हैं, तो हमने इन लोगों के साथ काम किया, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के साथ जो अंडरकवर एजेंट्स थे, और उनकी जो रिपोर्ट थी जो वो अपने बॉस को देने वाले थे, उनकी जो क्लोजिंग रिपोर्ट थी, उनको ये एक डर था कि शायद उनकी वो रिपोर्ट को दबाई दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ये दबा देंगे पॉलिटिकल कारण से, तो उन्होंने हमें वो रिपोर्ट लीक कर दी कि हम अपने बॉस को देने से पहले आप इसको लिखा दें। तो हमने बड़े तौर से 3 या 4 पार्ट सीरीज़ की उस रिपोर्ट पे, काफ़ी हंगामा मचा, बट उसमें से एक फ़ायदा हुआ कि ये रिपोर्ट फिर दबी नहीं, और उसके बाद हमें बुलाया गया, समन किया गया, और जो वहाँ पर प्रोसेस होता है उसमें कहते हैं डिस्कवरी का मतलब कि आपको आप से एक इनफॉर्मल उनके जो लॉयर्स होते हैं जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, और जो इसमें इन केस जो विक्टिम हुआ, जो कंप्लेनेंट हुआ और हमारे खिलाफ जो, तो वो एक ये अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचती बात, इसको एक मीटिंग रूम कहीं चूज़ किया जाता है, उसमें हमारे लॉयर बैठते हैं, उनके लॉयर बैठते हैं, और उनको चांस मिलता है कि हमसे कोई 2, 3, 4 या 5 दिन सवाल पूछें, और जो भी दस्तावेज हमारे पास हैं
वो उनको हमें या तो सरेंडर करने पड़ते हैं या तो उनको बताना पड़ता है कि हम नहीं देंगे, और फिर जज को बताना पड़ता है अगर हमें नहीं देंगे क्यों हम अपने सोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या ये नेशनल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देश के नेशनल सिक्योरिटी वजह से हम नहीं दे सकते, ये चलता रहता है। मगर चार या तीन बार के बाद तो कोई भी रिपोर्टर हो जिसने अपने फैक्ट्स या गलत लिखा हो, उसका तो असली गुड लॉयर हो तो बैंड बच सकता है, पर बैंड इस तरह दोनों तरफ का बचता है। और जिसने जो आपका अक्यूज़र है, जो विक्टिम है, जिसने याचिका आपके खिलाफ की है, उनको भी वो कोई दस्तावेज नहीं रोक सकता। उनको हर चीज़ अपने बर्थ सर्टिफिकेट से लेके अपने ग्रैंडफादर का डेथ सर्टिफिकेट भी अगर मंगाया गया उनको सरेंडर करना पड़ता है, न तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होते हैं और याचिका हार सकते हैं। तो इसमें ये बात है कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स इतने टफ हैं, और खासकर इफ़ यू आर अ पब्लिक पर्सन, अगर आप पब्लिक पर्सन हैं जैसे अडानी जी से पब्लिक पर्सन, और जो 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 लोग पावर में हैं, जो सीनियर MPs और मिनिस्टर्स, वहाँ पर सेनेटर्स कहते हैं, या जैसे कि टॉप एग्जीक्यूटिव जो हैं, उन पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ, ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ उन पे खास किया गया है, क्योंकि के जो खुलासा होता है वो भी स्टेट जो है उनके जो कानून है उस खुलासे को प्रोटेक्ट करती है, वो कहती है खुलासा भी नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। और उससे बचने के लिए अगर सिर्फ किसी ने सूट फाइल कर दिया, जैसे स्लैप सूट कहते हैं, कि आदमी फिर डर गया कि मैं जेल जाऊंगा या मुझ पे बड़ा भारी फाइन पड़ जाएगा, तो उनको भी प्रोटेक्शन करने के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए कि आपको दिखाना पड़ेगा कि जो जो प्रोसिक्यूटिंग पार्टी है उनको दिखाना पड़ेगा कि आप पे जो आपने जो लिखा है वो आपने विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ फैक्ट्स और एक्चुअल मैलिस, कि ये एक नफरती रूप पे और आपको जानते हुए कि ये फैक्ट्स गलत है और ये इन्फॉर्मेशन गलत है, उसको जानते हुए आपने इसको पेश किया है। आपने कोई मिस्टेक किया हो, किसी का नाम या कोई मिस्टेक, उस पर आप पे लाइबल या डेफोमेशन उस पर आप पे नहीं लग सकता, कि कोई मिस्टेक हो गई या कोई फैक्ट्स गलत हो गए, उस पर कह सकते हैं कि भाई ये द मेन स्टोरी जो जो मुख्य मूल है इसमें जो, और जिस मुख्य मूलों पे ये हमारी स्टोरी आधारित है, वो अगर वो काफ़ी सॉलिड हों तो बहुत ये चांस बहुत काफ़ी हद तक आप एज ए रिपोर्टर और एडिटर आपको वहाँ पर आपको सज़ा नहीं मिलेगी, मतलब कि यू विल नॉट लूज़ द केस, मोस्ट लाइकली यू विल विन इट। जैसे कि इस कैलिफोर्निया के केस में मैंने कहा, वो फाइनली जब उन्होंने देखा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन था और जेन्यून इन्फॉर्मेशन था, कुछ नहीं कर पाए वो, और उल्टी पड़ी, वो कांग्रेसमैन पे उल्टी पड़ी, क्योंकि वो अगला अपना वो इलेक्शन भी हार गए। दुनिया के सबसे सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर माने जाते हैं, उनका नाम है सीमोर हर्श, न्यूयॉर्क टाइम्स के, वो बहुत नाम उनने कमाया है, कि पता नहीं सैकड़ों किताब लिखी है और हर प्रेसिडेंट को उन्होंने एक्सपोज किया, और अभी भी नाम उनका काफ़ी चर्चित है कि वो अंडर सी बॉम्बिंग पे। तो उनसे मैं उनका मेरे साथ परिचय था और हम साथ साथ काम भी करते थे स्टोरीज़ पे। तो उन्होंने वही 85 की बात है, 1985 की, तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी किताब में लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के वन टाइम प्राइम मिनिस्टर जब वो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में थे, मोरारजी देसाई, कि उनको उन्होंने कहा कि वो CIA अमेरिकन CIA खुफिया, जो उनकी इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी है, उसको इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे। और ये स्टोरी सीमोर हर्श ने मुझे कुछ कागज़ दिए, मैंने उस टाइम मैं एक बड़ी इंडियन मैगज़ीन इंडिया टुडे के लिए अमेरिका से भी लिखा करता था, और वहाँ पर अमेरिका में भी वहाँ पर भी एक कॉलम थे हमारे जो वॉशिंगटन पोस्ट इत्यादि में अपीयर करते थे, उसमें भी मैंने ये लिखा कि सीमोर हर्श की स्टोरी लेके, कि मुझे इसकी जान पहचान, इस स्टोरी को मैं जान गया, उसको मैंने ब्रेक की स्टोरी सबसे पहले। तो मोरारजी देसाई ने और उनकी टीम ने वहाँ अमेरिका में हमें सू किया, हमें, मुझे और सीमोर हर्ष को, और सीमोर हर्ष के बचाव में मेरी टेस्टिमनी और
मांगी गई थी, तो अमेरिका में काफ़ी 2 या 3 दिन यही डिस्कवरी प्रोसेस में कोई 4 लॉयर या 5 लॉयर बैठे हुए थे और वो यही पूछ रहे थे आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिला या कैसे कह सकते हैं ये तो मनहानि है इंडिया का, ये इंडिया के नेशनलिज्म पे एक एक, एक आपने ठोकर मार दी है इत्यादि। हमने कहा नेशनलिज्म में किसी की ठोकर नहीं मारी, हम तो रिपोर्टर हैं और हमें एक स्टोरी मिली है जो कहते हैं कि एक इतने सीनियर इंडियन लीडर अगर CIA से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये स्टोरी लिखी किसने है, ये सीमो हर्ष ने लिखी है जो सबसे विश्वसनीय रिपोर्टर माने जाते हैं वर्ल्ड के। तो हमने तो उनकी वो जो हमें जो स्टोरी डॉक्यूमेंट में दिए थे उसके आधार पर हमने उनका ही नाम लेके कहा कि इनकी इनकी किताब में ये आने वाला है। ये हिंदुस्तान में काफ़ी चर्चित हुई ये बात। ये ट्रायल फिर शिकागो में चली थी और फिर मेरे ख्याल में ये केस डिसमिस हो गया था। तो ये 2 इमीडिएट केसेस मुझे याद आते हैं जिसमें डेफामेशन और लाइबल में मैं इन्वॉल्व था।